राज्यसभा में अभी चल रहा है आतंकवाद के ऊपर चर्चा, वहाँ चल रही है और दोनों सदन आज सुचारू रूप से चले, जैसा मैंने कहा वी आर हैप्पी बिकॉज फ्रॉम डे वन इन आवर पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग वी हैड डिसाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी ऑन बिहाफ ऑफ द एनडीए दैट वी वुड लाइक द पार्लियामेंट टू फंक्शन, वी वुड लाइक टू डिबेट इश्यूज इन पार्लियामेंट। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल भी और परसों भी, परसों तो खैर वो बिचुरी के बाद अर्जनी हो गया, लेकिन कल बीजेपी वॉज नॉट डिस्टर्बिंग द हाउस, वी वर सिटिंग इन आवर सीट्स, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग द हाउस, लेकिन वी आर नॉट द ओनली वंस इन द हाउस, तो इसलिए डिस्टर्ब हुआ, अर्जन हुआ। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि आज से ठीक ढंग से दोनों सदन चल रहे हैं। We have a number of issues to discuss, जिसके बारे में हमारे दोनों leaders of opposition ने आपको बताया है, और we would like to debate, discuss all those issues. We have a lot to say on all those issues, and therefore we are interested in a debate, we are interested in a discussion, and we like to listen to what the government has to say ultimately. They also must be having a point of view, and this is how पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन। मैंने देखा कहीं कहीं अखबारों में आया कि डील हो गया था, डील कुछ नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है डील। हाँ ये जरूर था कि देर वॉज ए टेक्स्ट विच आई हैड मूव्ड ऑफ द रेजोल्यूशन एंड देन देर वर डिस्कशंस यस्टरडे एंड वी फाइनली अग्रीड ऑन ए टेक्स्ट जिसका जो लैंग्वेज होगा रेजोल्यूशन का, एंड दिस गिव एंड टेक इज नॉट अननोन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल फंक्शन। तो इसलिए जहां कहीं भी इंप्रेशन है कि डील हो गया, उस इंप्रेशन को कृपया अपने मन से निकाल दें। दूसरी बात, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीच आउट टू ऑल पार्टीज इन द ऑपोजिशन, इनफैक्ट टू ऑल अदर पार्टीज ऑल्सो विच आर नॉट डायरेक्टली इन गवर्नमेंट। अब मेरे कुछ मित्र हैं दूसरे दलों में, उनको तकलीफ हुई इस बात की कल कि उन लोगों से सरकार ने बात नहीं की, और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज ने शी रीच्ड आउट टू एवरी लीडर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी यस्टरडे एंड शी आल्सो सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दैट ही शुड आल्सो रीच आउट टू दोज पार्टीज सो दैट द हाउस कैन फंक्शन स्मूथली एंड आई एम ग्लैड दिस वॉज डन एंड इट हैड द डिजायर्ड इम्पैक्ट। और आज अमेंडमेंट मूव हुआ है टू द रेजोल्यूशन, गुरदास दास गुप्ता जी ने एक अमेंडमेंट मूव किया है, बट देर इज बीन नो डिस्ट्रप्शन एंड आई एम पर्टिकुलरली ग्रेटफुल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्योंकि मैंने जब एक घंटा बोला तो एक घंटे में एक बार भी किसी ने हमको टोका नहीं, देर वॉज नो इंटरप्शन डिस्टर्बेंस डिस्ट्रप्शन इवन by one sentence sideways. अगर यही डील थी तो जब अभी श्री सलमान खुर्शीद बोल रहे थे डिस्टर्ब किया सर आप नहीं देख रहे, नहीं हल्का फुल्का मारपीट करें वहां पर, अरे वहां पर क्या उधर हम लोग क्रॉस करके उनसे हाथापाई करने लगे, गुजरात पर वी चैलेंज हिज इम्प्रेशन दैट देयर इज अ मैक्सिमम पॉवर्टी इन गुजरात दैट वाज चैलेंज। सो इसलिए वी आर हैप्पी दैट पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग, दिस वाज आवर इंटेंट फ्रॉम डे वन, वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट इन लोकसभा द अदर डिबेट इन राज्यसभा एंड वी होप दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू कंटिन्यू टू फंक्शन so that all the important national issues can be debated and discussed in the House. This is what I wanted to say in the beginning. As far as the issue of price rise is concerned or inflation is concerned, broadly, two minutes mein main bata dun, aapne sab bahut logon ne shayad suna hoga, lekin very briefly,
हमारी जो हमारा स्पीच जो था उसके तीन चार भाग थे, और उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था रीजंस फॉर दिस इन्फ्लेशन, जिस पर मैंने सरकार के फिस्कल एक्सपेंशन को जिम्मेदार ठहराया है, जो 2008-09 से शुरू हुआ एंड इट हैज़ गॉन ऑन। सरकार कहती है ये स्टिमुलस है, हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं, बिकॉज ए स्टिमुलस इज समथिंग यू कैन रोल बैक, ए स्टिमुलस इज नॉट समथिंग विच विल कंटिन्यू टिल इटर्निटी। तो अगर 4.25-4.25 लाख करोड़ का सरकारी घाटा आज के दिन हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिजिकल एक्सपेंशन, तो विच वन कैन बी रोल्ड बैक? कैन द सिक्स पे कमीशन बी रोल्ड बैक? कैन फार्मर्स डेट वेवर बी रोल्ड बैक? कैन एनी ऑफ दी सब्सिडीज बी रोल्ड बैक? तो इसलिए स्टिमुलस का मतलब हुआ है दूसरे देशों में कि भाई हमने टेम्पररी रिलीफ दी और उसके बाद हमने रोल बैक कर लिया उसको जब थिंग्स नॉर्मलाइज। नाउ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऐसे संस्था, वो कह रही है कि वी टैकल द ग्लोबल क्राइसिस वेल बट वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी हैव लॉस्ट आवर वे इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और वो डिबेट का दायरा नहीं था आज के दिन, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट एन इकोनॉमिक स्लो डाउन इज स्टेयरिंग अस इन द फेस। मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग डाउन, एग्रीकल्चर इज मानसून भरोसे, सर्विसेज सेक्टर विल ग्रो ओनली इन टैंडम विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसलिए एंड इन्फ्लेशन इज स्टबर, इट इज रिफ्यूजिंग टू कम डाउन। सो आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ स्टैगफ्लेशन? आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन वेर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विल स्लो डाउन एंड इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू? एंड आई हैव टूडे सच ए फियर, बिकॉज इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का मतलब होगा जैसा मैं सदन में कह रहा था, लेस गुड्स एंड सर्विसेज। That means that we'll have even less to meet the growing demand, and if there is a mismatch between demand and supply, then obviously there will be pressure on prices. और इसीलिए मैंने सुझाव देते समय शुरू किया अपनी बात को इससे कि the key, कुंजी क्या है? कुंजी है food inflation. सबसे ज़्यादा घातक है food inflation. और food inflation को कंट्रोल करने का मैं कोई थियोरेटिकल उपाय नहीं बताया मैंने आज, मैंने वो उपाय बताया जिसको हम लोगों ने लागू किया था 2002-03 में और इन्फ्लेशन कंट्रोल करके दिखाया था डिस्पाइट ए वेरी वेरी सीवियर ड्राउट। तो इसलिए मैंने उन्हीं के आर्थिक सर्वे से कोट किया जिसमें मैंने कहा कि इवन इन द इकोनॉमिक सर्वे विच वॉज प्रेजेंटेड टू द हाउस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, दे से व्हाई आरंट वी रिलीजिंग ग्रेन? Why aren't we releasing the 65.5 million tons that we have in our godowns in as abundant a measure as possible? तो अगर सरकार महंगाई नहीं रोकने में interested है, budget के घाटे रोकने में interested है, everyone today agrees fiscal deficit will not be controlled at 4.6 which is the budgeted figure, it is bound to go up. और fiscal deficit जो है आप जानते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, बट इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द GDP. GDP ग्रोथ कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो द डेंजर इज दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन, द डेंजर इज इंडियन कॉरपोरेट्स टेकिंग देयर मनी अब्रॉड, नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया दैट लास्ट ईयर the outgo was $44 billion and the inflow was $27 billion. ये पहली बार हमारे यहाँ यह mismatch हुआ है कि foreign direct investment जो आ रहा है that was only $27 billion और जो देश के बाहर गया direct investment from Indian corporates
That was $44 billion. So there are some very disturbing signs in our economy. Inflation is one of the most important and the starting point of all the troubles that we are facing. इसीलिए आज का डिबेट जो है वो इम्पोर्टेंट है. आगे मुझे पूरा विश्वास है, चाहे जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स कल वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका हो या और भी मुद्दे आएंगे जिसमें कि व्यापक आर्थिक मुद्दे जो हैं उनके ऊपर सदन में बहस हो पाएगी.